हेलो एसजीटीवी स्टूडेंट्स, आई एम गुरप्रीत कौर फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर एनएच 19 रोड सिरसा। दिस इज योर इंग्लिश क्लास। सो इन दिस वीडियो वी विल रिवाइज चैप्टर नंबर 17 ऑफ इंग्लिश एक्सप्रेस। टुडे आवर टॉपिक इज हैज हैव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट हैज, द यूज ऑफ हैज। सो स्टूडेंट्स, वी यूज हैज विद he, she, it, singular noun and pronoun, and have the use of have with I, we, you, they, and plural noun and pronoun. But students, we use has, have for present. So students, हमने has and have का use only present के लिए करना है जब हम present की बात कर रहे हैं. So here we have some examples. First of all, he has a pencil. He के साथ हमने has का use किया है. He has a pencil means उसके पास एक pencil है. So students, हमने यहाँ पर has का use he के साथ किया है. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम has का use he, she, it के साथ करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर he के साथ has use किया है. Next example, she has a dog. She के साथ मैंने अब has का use किया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम he, she, it के साथ has का use करेंगे. तो मैंने यहाँ पर she के साथ has का use किया है. She has a doll. तो उसके पास एक doll है. So students, next example, here are some example of have. So first example is I have a pencil. यहाँ पर मैंने I के साथ have का use किया है. You can see here I, we, you और they, इनके साथ हमने have का use करना है. So मैंने यहाँ पर I के साथ have का use किया है. I have a pencil means मेरे पास एक pencil है. Next is you have a pencil. अब मैंने यू के साथ भी हैव का यूज किया है. क्यों किया है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आई, वी, यू, दे, इनके साथ हमने हैव का यूज करना है. यू हैव अ पेंसिल मींस तुम्हारे पास एक पेंसिल है. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिवाइज चैप्टर 17 ऑफ इंग्लिश एक्सप्रेस. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.